नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में। मैं शिव कुमार मित्रा। आइए सबसे पहले हम देखते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हमारी वेधशालाओं में जो वर्षा दर्ज की गई है उसकी क्या स्थिति है। सबसे पहले हम आपको बता दें, सिग्निफिकेंट रेनफॉल, जो महत्वपूर्ण रेनफॉल जो दर्ज की गई है, हम उसके बारे में अगर हम देखें तो तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल की अगर इन जगहों की बात करें तो मदुरई में 11 सेंटीमीटर, पुडुकोटाई में 10 सेंटीमीटर, तिरुप्पुर तूतुकुड़ी में 8 सेंटीमीटर, कोडाईकनाल में 4 प्रत्येक जगहों पे। अगर हम इंटीरियर कर्नाटका की बात करें तो कोडागु में 8, शिवमोगा, मैसूरु, धारवाड़, मंडिया में 7 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। असम में अगर हम बात करें 3 सेंटीमीटर, केरला पलक्कड़ में 6, कोंकण एंड गोवा में 3, हिमाचल प्रदेश की बात करें राजगढ़ में 8, सोलन में 7, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अगर हम बात करें यमुनानगर, चंडीगढ़, दिल्ली रिज, सफदरजंग में 3 सेंटीमीटर प्रत्येक जगहों पे, और पंजाब के लुधियाना में 10, पटियाला में 9। अगर वेस्ट उत्तर प्रदेश की बात करें अलीगढ़ में 5। हम अगर मुख्य रूप से अगर हम बात करें भारी वर्षा जो अगर हम दर्ज की गई है आज सुबह 8:30 बजे हमारी वेधशाला में, तो हिमाचल प्रदेश में आइसोलेटेड जगहों पे, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में दर्ज की गई है। आइए चलते हैं हम सिनॉप्टिक जो सिस्टम है, जो संयुक्त परिस्थिति है, ये देखिए संयुक्त परिस्थिति का अगर आप देखें तो देखेंगे आप पश्चिमी विक्षोभ अभी एक अभी यहाँ पे अभी बना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं सिनॉप्टिक सिस्टम की इस मैप में। साथ ही साथ हवाओं की जो तीव्रता, अगर आप दक्षिण प्रायद्वीप की बात करें, ये देखिए हवाओं की तीव्रता यहाँ काफ़ी ज़्यादा है जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये हवाएं ऐसे आ रही हैं और साथ ही साथ यहाँ पे भी एक तरह से एक सर्कुलेशन जैसा हमको नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम सैटेलाइट की इमेजरी देखिए, अगर हम देखिए ये देखिए दक्षिण प्रायद्वीप में आज 25 अक्टूबर की अगर हम बात करें इनसेट 3DR की इमेज में बादलों का सघन जमावड़ा दक्षिण प्रायद्वीप में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर भी जैसा कि हमने देखा यहाँ पे भी एक सर्कुलेशन, यहाँ पे एक तरह से पश्चिमी विक्षोभ WD के रूप में यहाँ पर भी हमको एक यहाँ पे स्थित दिख रही है। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करें दक्षिण प्रायद्वीप, एक तरह से बंगाल की खाड़ी और इन जगहों पे देखिए क्लाउड का जमावड़ा, सघन क्लाउड का जमावड़ा, घने बादल छाए हुए हैं। अंडे इसके इन्फ्लुएंस से क्या होने वाला है, आने वाले 48 घंटों में मध्य और दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है। आने वाले 48 घंटे यहाँ के कम दबाव के क्षेत्र के लिए सूचित कर रहे हैं। अगर हम पूर्वोत्तर मानसून, अभी मुख्य रूप से अगर हम बात करें देश के अधिकांश हिस्सों में वर्षा गतिविधि में उल्लेखनीय कमी देखते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून आज पूरे देश से वापिस आ चुका है, एक तरह से विड्रॉवल हो चुका है। अगर हम उसके साथ ही साथ पूर्वोत्तर मानसून की बात करें तो पूर्वोत्तर मानसून आज 25 अक्टूबर 2021 को, चूंकि निचले क्षोभ मंडल में, जिसको कहते हैं लोअर लेवल्स में, उत्तर पूर्वी हवाओं की एक तरह से स्थापना हो गई और साथ ही साथ पूर्वोत्तर मानसून की बारिश, अत्यधिक बारिश यहाँ पे भी शुरू हो गई जैसा कि हमने देखा है। तो एक तरह से हम कहेंगे पूर्वोत्तर मानसून की शुरुआत आज हो गई है। आइए हम देखते हैं मौसम की चेतावनी आने वाले 5 दिनों में, ये देखिए जैसा कि हमने कहा था अभी अगर हम देखेंगे मध्य भारत, उत्तर भारत और एक तरह से पूर्वोत्तर भारत, एक तरह से वर्षा में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। आप देखिए 25, 26, 27, 28, 29 में वर्षा की कमी अब देखते ही बन रही है आपको इन इमेजों में। लेकिन अगर चूंकि हमने पूर्वोत्तर मानसून हमने बोला है, आप देखिए दक्षिण, अगर हम दक्षिण प्रायद्वीप में तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, केरला 25, 26, 27, 28, 29 पांचों दिन अगर हम बात करें, सारे पांचों दिन में इन जगहों पर छिटपुट से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। 29 तारीख को कोस्टल आंध्र प्रदेश भी इसमें शामिल है 28-29 को। हालांकि जैसा कि हमने कहा पूर्वोत्तर मानसून के उपस्थिति हो गई है, तो हम देखेंगे केवल दक्षिण भाग में ही छिटपुट से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा आप हमारे ऐप डाउनलोड करिए, कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए